वो कहते हैं ना कि समय और क्यूटिया सबका कटता है. लेट्स बिगिन द बैटल फॉर शेम. राउडीज ट्रिपल एक्स, बिकॉज एक्स्ट्रा एक्स एक्स्ट्रा क्यूटिया पा. हेलो गाइस, दिस इज विजय भवानी. लेट्स मीट आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट. हेलो कुनाल, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सिलेक्ट हो चुका हूँ. आपका इंस्पिरेशन क्या है रोडीज में? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है आयुष्मान खुराना, वो राउडीज जीत चुका है और आज बहुत बड़ा स्टार है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊं तो शायद मैं भी स्टार बन जाऊं. ओह वाओ, तो क्या आप एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए? हाँ एक्साइटेड हूँ, आप जितना नहीं. नाइस टैटूज, वेरी नाइस टैटूज. मेहंदी है वो. एनीवेज, अब अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में हमें बताइए. स्ट्रेटजीज, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखाऊंगा, कुछ भी अननेचुरल या रिहर्स नहीं बोलूंगा, सारे क्वेश्चंस का स्पॉन्टेनियसली आंसर दूंगा. स्पॉन्टेनियसली, वेरी स्वीट किड, वेरी स्वीट किड. ऑल द बेस्ट कुणाल, ऑल द बेस्ट. थैंक्स. वो रघु सर का पर्सनल वॉशरूम है. सच अ स्वीट किड. कुणाल कैसे हैं आप? ठीक हूँ. आप लोगों को यहाँ आंखों के सामने देख के आई एम स्टंड. आई नो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, बट देन आई डेवलप द पावर ऑफ सीइंग द फ्यूचर, सो नाउ आई एम नेवर स्टंड. इंसान को वक्त से पहले सूंघ लेता हूँ. कुणाल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. सर मैं एक एक्टर हूँ, मैं फिल्मों में काम करता हूँ. अच्छा, रणविजय की तरह? नहीं सर, इनकी तरह नहीं, मैं थोड़ी मीनिंगफुल रोल्स कर लेता हूँ. लास्ट फिल्म कौन सी आई थी तेरी? सर दिल्ली बेली. दिल्ली बेली? भोसड़ी के डीके बॉस, डीके बॉस वाले गाने में तुम नंगा नाच करते हो और उसे मीनिंगफुल रोल कहते हो. वो मीनिंगफुल नहीं, वो डबल मीनिंगफुल रोल था. शर्म नहीं आई तुझे ऐसे गंदी गंदी गालियों वाले गाने गा के? नहीं सर, वो एक्चुअली. चुप, बिल्कुल चुप. मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है. भोसड़ी के माता चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मक्की चूत तेरी टक्टों के सौदागर. अच्छा कुणाल, डिलीवरी में कहाँ थे तुम? टॉयलेट भी सर. सर वो मेरा पेट खराब होता है सर, पूरी फिल्म में मैंने ही तो टट्टी की है. पूरी फिल्म में टट्टी की तो तुझे लगा मेरे शो पे आके भी टट्टी करेगा तू? ये मेरा शो है, यहाँ टट्टी करने का हक सिर्फ मुझे है. सर पर पिछली बार आप ही ने तो कहा था कि मौत और टट्टी कहीं भी किसी को भी आ सकती है. चुप, बात मत कर तू. पिछली बार तो राजीव भी था. दिस इज राउडीज ट्रिपल एक्स. देख क्या रहा है? बोला था ना दिस इज राउडीज ट्रिपल एक्स. तुझे क्या लगा राजीव आएगा? सर आप गलत समझ रहे हैं सर. अच्छा मैं गलत समझ रहा हूं. लोग राउडीज आते हैं एक्टर बनने के लिए और एक्टर होके राउडी बनेगा तू? सर एक्टर तो मैं हूं ही, मैं स्टार बनना चाहता हूं. रणविजय देखा इसे क्या लिखा है तूने? आई एम नॉट स्टंड, वांट्स टू बी अ स्टार. तुम यहां से चल के अंदर आए थे ना, तभी लिख लिया था मैंने. ये तो आपने अभी लिखा सर मेरे सामने, मेरे बोलने के बाद. नहीं वो मैं ऐसे ही ओवरराइट कर रहा था. अच्छा तुम सच बताओ, हमें आए क्यों रोडीज में? मैंने कहा ना सर मुझे स्टार बनना है आयुष्मान की तरह. आयुष्मान नाम मत लेना उस धोखेबाज का मेरे सामने, उसने मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छीन ली. आपकी जिंदगी? सब चल रहा जी? कैसा चल रहा है तेरा टीवी शो और टैलेंट? गोइंग गुड सर, आप कैसे? यार ये आजकल क्रिस नोलन भी ढंग की स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता. क्या भेज दिया है उसने? द डार्क नाइट, और नाइट की स्पेलिंग भी कैसे शुरू की. यार मुझे नहीं बनना ये जोकर वोकर. आपका राउडी से क्या होता है? सर राउडी से बात ना, आपको ऐसा क्यूटियापा कहाँ से मिलेगा? ऐसे फॉरन डी मिलेगी आपको? तो मैं सोच रहा हूँ कि
मैं अपने क्यूट लुक्स को थोड़ा और मिल्क कर लूं। अभी जॉन अब्राहम के ऑफिस से एक नई स्क्रिप्ट आई विकी डोनर करके। He wants me to play the lead role. Vicky Dugar. Yeah. What is the subject? Yaar, kuch sperm donation pe. Nahi sir. Nahi? Nahi ho sakta sir. So it is very sexist. Sir, koi sperm donation pe film banata hai kya? Sir, ek hi cheez ladkiyon ke paas nahi hoti hai. To iska matlab ye nahi ki aap us pe film bana doge. So it is against everything that you stand for. How can you do this? Baat to teri sahi hai. Maine soch bhi kaise liya ki main aisi film karunga. आप और राजीव दोनों विलन का रोल कर रहे हो, बैड गाइस। आयुष्मान, तुझे लगता है कि मुझे ये बैड गाय वाले रोल करने चाहिए? आई मीन द होल वर्ल्ड परसीव्स मी एज दिस गुड गाय। सो बैड इज द न्यू शिट सर। So, आज की जनरेशन में बैड इज द न्यू गुड। आपका बैड और स्क्रिप्ट का बैड मिलकर इट विल बी सो गुड दैट पीपल विल लव टू वॉच बैड। आई एम सो गुड एट बीइंग बैड सर। एंड दिस बैड विल बी सो गुड दैट एवरीथिंग बैड अबाउट यू विल बिकम गुड। वेरी गुड, वेरी बैड, बिकॉज बैड इज द न्यू गुड। आयुष्मान, मुझे इस स्क्रिप्ट के बारे में राजीव से बात करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आप जॉन से बात करता हूँ। सर जॉन, आप जिंदे नहीं हो? साले ने मेरा और राजीव का ड्रीम रोल भी हमसे छीन लिया, लेकिन मैं रुका नहीं। और आज देख मैं यहां बैठा हूं। रघु, तुम पिछले 10 साल से यहां बैठे हो। कुछ लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं और कुछ लोग मुझे यूथ आइकॉन भी कहते हैं। मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। सर, बेवकूफ तो सुनी है, पर यूथ आइकॉन किसने बोला आपको? रणविजय कहता रहता है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। उस रात अल्ताफ राजा की पार्टी में, दैट वॉजंट यू? नहीं, मैं नहीं था। तो राजीव ने कहा होगा। एनीवेज, बात तुम्हारी हो रही है। द थिंग इज, राउडीज में आने के लिए तुम्हें कुछ फिजिकल टास्क करने होंगे। आर यू अप फॉर इट? यस सर, आप कोई भी टास्क दे दीजिए, मैं कर लूंगा। अच्छा कुणाल, कौन से फिजिकल टास्क में अच्छा है तू? चिड़िया उड़ सर, मोहल्ला चैंपियन हूं। चिड़िया उड़? पक्का? हाँ, चिड़िया उड़। चल आ जा बेटा, चिड़िया उड़ आ जा। तोता उड़, मैना उड़, कार उड़, गाय उड़, नींद उड़, मेरे बाल उड़, दाल मखनी उड़, औरत उड़। यस यस सर, लेकिन औरत कैसे? क्यों नहीं उड़ सकती औरत? एयर होस्टेस है वो। अभी मर्द बोलता तो पायलट समझ के तुरंत उड़ा देता तू उंगली। साला सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, डेंटिस्ट, एग्जॉसिस्ट। अब मुंह क्या देख रहा है, जल्दी कर यहां से। ब्लडी मोहल्ला चैंपियन, 20 साल से खेल रहा हूं चिड़िया उड़, मुझे रहेगा। रणविजय, देखा क्या लिखा है तूने? आई एम नॉट स्टंड, फेलियर, दैट्स व्हाट यू आर। तू जब इस इंटरव्यू के लिए निकला था ना यहाँ पे, तभी लिख लिया था मैंने। सर, वो फेलियर का स्पेलिंग गलत है। मेरे शो में आके हमें स्पेलिंग सिखाएगा तू? मैं अपने शो में फेलियर की स्पेलिंग टी से शुरू करूंगा, एफ से शुरू करूंगा। क्या प्रॉब्लम है तुझे? अबे, एक्टिंग के अलावा और कोई टैलेंट है तुझमें? हाँ सर, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, नॉट एज गुड एज आयुष्मान, पर फिर भी। आयुष्मान का नाम भी मत लेना तू, उसने मुझसे मेरा सिंगिंग करियर भी छीन लिया। आपसे छीन लिया सर?
यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाओ सर, आपने बनाया? ऑब्वियसली यार। अच्छा, ये वो गाना नहीं जो आपने इंडियन आइडल में गाया था? तुझे पता है ऐशमैन, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था। और आज देख, मैं अल्ताफ राजा जैसा म्यूजिकल जीनियस बन चुका। आज मैं 3 सेकंड के अंदर किसी भी चीज पर कोई भी गाना ले सकता। क्या बात कर, तू नहीं मानेगा मेरी बात। चल तू यहां पर कोई भी चीज उठा ले, कोई भी चीज उठा ले, और मैं उस पर तुझे 3 सेकंड के अंदर गाना बनाकर दिखा दूं। पानी, हाँ, टेस्टलेस, ओडरलेस, कलरलेस, कलर, पानी का कलर, पानी का रंग, पानी का रंग, का रंग, पानी का रंग, पानी का रंग, पानी का रंग, पानी का, नहीं सर, सर पानी दा रंग, राउडीज की ऑफिशियल लैंग्वेजेस पंजाबी, चंडीगढ़ से हैं सर। यू आर राइट, गुड, वेरी गुड। तो इसको ऐसा कर देते हैं, पानी दा रंग वेख के, तो ठीक है, पानी दा रंग वेख के। क्यों? This song is racist. Racist क्यों? So how can you just discriminate color with another color? So this is against everything that you stand for. So कैसे कर सकते हो ऐसे आप? बात तो तू सही कह रहा है। Living thing, non-living thing, किसी की भी against हम color के basis पे discrimination नहीं कर सकते। ऐसा सोच भी कैसे लिया मैंने? आयुष्मान, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। सर, आई स्वेयर यू, सर नोबडी टू फॉरगिव यू। सर आप टेंशन मत लो, सर किसी को नहीं पता चलेगा इसमें आपका हाथ है, इसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। पक्का? सर ये पानी मेरा है, आई एम ड्रिंकिंग इट। आयुष्मान, आई वॉज ऑलवेज राइट अबाउट यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। Respect, sir. Respect. लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। नहीं, आज अपने शो का टाइटल सॉन्ग मैंने खुद बनाया, खुद गाया और खुद ही बैठकर सुनता हूं। आजा बोर हो जा, डिग 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 डिग। रन एंड ड्रीम्स सुनकर बहुत बुरा लगा सर, गाना नहीं, बैक स्टोरी। साले क्या लगा था तुझे, ये तेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये राउडीज है, राउडीज, यहां सब कुछ ओरिजिनल होता है, सब कुछ। ये राउडीज है, राउडीज, यहाँ सब कुछ ओरिजिनल होता है, सब कुछ। इसके बाद रणविजय पेपर दिखाएगा। आई एम नॉट स्टंड, ह्यूमन, एच यू एम ए एन। तुम एक मामूली इंसान हो, तुम्हारे पैदा होते वक्त ही लिख दिया था मैंने ये। यू नॉट अ राउडी कुनाल, तुम कैमरा देख के ना लड़ोगे, ना झगड़ोगे, ना पत्थर तोड़ने वाले, ना नंगा होने वाले टास्क परफॉर्म करोगे। यू आर ऑफ नो यूज टू अस। कुनाल, एक आखिरी मौका देते हैं तुझे, तू क्यों बनना चाहता है राउडी? सर मेरी फिल्म आ रही है नौटंकी साला आयुष्मान के साथ, पर क्या है कि आयुष्मान को ही सारी तालियां मिलती है, सारा भाव उसी को मिलता है, मुझे कोई देखता ही नहीं है। कुणाल,
तुझे क्या लगा तू यहां आकर अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाएगा तो मैं तुझे राउडीज में ले लूंगा? बहुत स्मार्ट समझता है तू अपने आप को। निकल यहां से, निकल, निकल यहां से, निकल। एक वाइट, निकल यहां से, निकल। एक स्लो मोशन में भी लगा। निकल यहां से, निकल। अरे रघु, अरे छोड़ दो यार, लेट हिम क्राई। अच्छा सुन कुणाल, टेल मी योर स्टोरी ना यार, आई वांट टू हियर योर स्टोरी यार, व्हाट हैपेंड? यू नो सर, लोग मुझे KRK बुलाते हैं एंड कंफ्यूज मी विद द अदर एक्टर। KRK क्यों? सर मेरा पूरा नाम है कुणाल रॉय कपूर, ब्रदर ऑफ सिद्धार्थ रॉय कपूर ना। लोग कॉम्प्लीमेंट दे ले जाते हैं तो कहते हैं KRK ग्रेट वर्क इन देशद्रोही, यही एक कॉम्प्लीमेंट मुझे। सुन, लाइफ में कभी भी किसी से ना डरने का नहीं, जो लोग ऑड मैन आउट होते हैं वही विनर होते हैं। हमें देख एंडरसन, अब ये रोना धोना बंद कर एंड थ्री थिंग्स, इफ यू फोकस, वर्क हार्ड, डू पुशअप्स, रेस्पेक्ट वुमेन, ईट शिलाजीत, ईट स्पिनच, रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्यूनिशिया एंड स्टॉप एक्टिंग, यू विल बी अ स्टार। I'm sure you will be a bigger star than Ayushmann is. Chal. Come. God bless you. Ayushmann bhav. Thanks. Thank you. तो कुणाल कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत बढ़िया रहा। शुरू शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, but very nice. I'm proud of you. I'm sure you'll win. Anyways, Raghu sir wants to direct this script, so please tell us about it, please. Thank you. Chalo, okay, bye, all the best, bye. Such a sweet kid.